के दाम अभी कम भी नहीं हुए कि टमाटर के दाम में एक बार फिर इजाफा हुआ है। टमाटर के दाम एक बार फिर 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। टमाटर और प्याज के दाम अब एक समान हो गए हैं। प्याज इन दिनों बाजार में 60 से 70 रुपए प्रति किलो के रेट पर बिक रहा है। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में खुदरा बाजार में टमाटर 55 से 60 रुपए प्रति किलो के रेट पर है और इस बढ़ते भाव से टमाटर प्याज को जोरदार टक्कर देता दिख रहा है। नागपुर से विदर्भ में टमाटर महाराष्ट्र के अन्य इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश कर्नाटक से बिक्री के लिए नागपुर के मंडी में लाया जा रहा है, लेकिन आवक काफी कम होने की वजह से टमाटर के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। टमाटर व्यापारियों से मिली जानकारी के अनुसार हर साल नवंबर महीने में कुछ जिलों से टमाटर की बड़े पैमाने पर आवक होती है और इससे भाव कम रहते हैं। और हालात ये है कि टमाटर की खेत में बाजार में बेचने पर किसानों का ट्रांसपोर्ट खर्च भी नहीं निकल पाता और इसी वजह से किसानों को ठंड के मौसम में कई दफा टमाटर फेंकने पड़ते हैं। बारिश से टमाटर काफी खराब हो गए हैं और मांग की तुलना में आपूर्ति भी कम हो गई है। ऐसे में टमाटर का बढ़ता भाव अब प्याज को जोरदार टक्कर दे सकता है। बाजार में प्याज की कीमत 65 से 70 रुपए प्रति किलो चल रही है। वही नई प्याज जो बाजार में आ रही है, खुदरा व्यापारियों का ये कहना है कि उसमें बहुत सी प्याज खराब है और अच्छी प्याज 60 से 70 रुपए किलो बिक्री है, लेकिन नई प्याज आने के बावजूद प्याज और टमाटर के भाव एक समान हो गए हैं। ऐसे में प्याज और टमाटर के दाम बढ़ने से आम जनता को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ सकता है।